सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी लालचंद जी इंसान सरसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट बागू जी इंसान भजन सुनाएंगे जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बंदे मालिक से बिछड़े हुए, बंदे मालिक से बिछड़े हुए, कितने युगड़े बीत गए, 84 जून में फिरते हुए, कितने युगड़े बीत गए। मालिक की तू अंश है इंसान, इस तरफ ना ध्यान दिया, प्रेम कमाना नाम ध्यान, ऐसा कोई ना काम किया, जन्म मरण में पड़े हुए, कितने युगड़े बीत गए। दुर्लभ जन्म मिला है तुझको, प्रभु मिलने की बारी है, एक बार गर हाथ से गया, दोबारा मिले ना बारी है, फूल गुलशन से उजड़े हुए, कितने युगड़े बीत गए। नाम बिना ना चैन मिलेगा, शासत नाम जी बताया है, सर्व रोग का खुद नाम दाता जी ने समझाया है, नाम बिन रोगों में जकड़े हुए, कितने युगड़े बीत गए। दास मीत कहे अमल कमाओ, कर छुटकारा पाना है, दोनों जहां काम आए, हर श्वास नाम ध्यान है, निज घर से रूह को उजड़े हुए, कितने युगड़े बीत गए। बंदे मालिक से बिछड़े हुए, कितने युगड़े बीत गए, 84 जून में फिरते हुए, कितने युगड़े बीत गए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु दे दुआरे सजना तू नीर माई जावी,
गुरु दे दुआरे सज्जना तूनी रमाई जामी इतिया मिले ना मिले हलख जगाई जामी तूनी रमाई जामी प्रेमदारी वाज रखी प्रेमियां दी लाज रखी प्रेमदारी वाज रखी प्रेमियां दी लाज रखी वांग परवाने जिंदड़ी शमा ते जलाई जामी गुरु दाना बुहा छटी दिल विचों दुई कटी गुरु दाना बुहा छटी दिल विचों दुई कटी सतगुरु दे नाम वाला बिरद पकाई जामी बिरद पकाई जामी हौसला ना तोड़ बैठी बेड़ियां ना रोड़ बैठी हौसला ना तोड़ बैठी बेड़ियां ना रोड़ बैठी प्रेम वाला दूर पैंदा कदम उठाई जावी कदम उठाई जावी सदर हड्डा नू गाली लगियां दे बोल पाली सदर हड्डा नू गाली लगियां दे बोल पाली गुरु गाले लावे तैनू खुदी नू मिटाई जामी गुरु दे दुआरे सजना टूनी रमाई जामी ओ या मिले ना मिले अलख जगाई जामी ओ अलख जगाई जामी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा मालिकी सजनवाजी प्यारी सत्संग जी मालिक के प्यार में उसकी मोहब्बत में परमानंद समाया है पर भागों वाले नसीबों वाले होते हैं जो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब के प्यार मोहब्बत से लवरेज हो जाया करते हैं उन्हें वो खुशियां मिलती हैं वो लज्जत मिलती है वो आनंद मिलता है जो लिख बोल के बताया नहीं जा सकता अलौकिक कशिश पैदा होती है और इंसान परमपिता परमात्मा की तरफ खींचा चला जाता है तो चलते बैठ के लेट के सुमरण करो उसकी औलाद की सेवा करो सारी सृष्टि की किसी का बुरा ना करो पर प्यार मोहब्बत के रास्ते पे चलना कोई मामूली बात नहीं है दृढ़ यकीन बुलंद इरादे और गैरत अणक के साथ इन रास्तों पे चलना पड़ता है काल और काल के नुमाइंदे काम वासना क्रोध लोभ अहंकार जगह जगह इंसान का रास्ता रोकते हैं तो दृढ़ता से उनका सामना करना पड़ता है उन बुराइयों का और आगे बढ़ना होता है तो इसके लिए सुमरन और सेवा ही एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा इंसान इन विषय विकारों से इन बुराइयों से लड़के अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है आगे बढ़ता जाता है और सब कुछ पीछे छूट जाता है तो इंसान के लिए यह बहुत जरूरी है कि वो वचनों पे अमल करे चले जब आदमी खुद वचन नहीं मानता तो मालिक का प्यार उसकी मोहब्बत
कहां से हासिल हो, पहले वचन माने, फिर वो दया में रहमत होती है, फिर उसकी तमाम बरकतें इंसान को मिलती हैं। वचनों पे अमल करने के लिए जैसा आपको बोला, सुमरण ही एकमात्र तरीका है जो आपको हिम्मत दे, जो आपको शक्ति दे। तो सुमरण करो, सेवा करो, तो मालिक का वैराग्य अंदर पैदा होता है, और वैराग्य से जो मालिक का प्यार प्रकट होता है वो इंसान को परमानंद बख्श देता है। इंसान पता नहीं क्या क्या गलत सोचता रहता है, पूरा सोचता रहता है, और उस सोच की वजह से दुखी होता रहता है। तो अपनी सोच को बदलने के लिए सुमरण के अलावा कोई और तरीका नहीं है जिससे सोच बदल जाए। तो अपने विचारों को बदलो, अपनी सोच को बदलो, ताकि उसकी दया में रहमत आप पे मूसलाधार बरसे और उसकी तमाम खुशियां आप हासिल कर सकें। तो विदेशों से बात करने वाले, शॉर्ट में बात करनी है जी, कैलिफोर्निया यूएसए, लतीना इटली, फ्रीमोंट यूएसए, जल्दी से और शॉर्ट में बात करो बेटा, बोलो। पिताजी, मैं सुखवान सिंह दिवस सिटी कैलिफोर्निया तो पिताजी, आप मीन को कर दीजिए लाख लाख बधाई हो जी। जी पिताजी, मेरी बेटी का जन्मदिन है कल, इन आठवीं बार दो जी बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद, जन्मदिन मुबारक बेटा, अच्छे नए इंसान बने, मालिक की दुआ करते हैं, आशीर्वाद बेटा। पिताजी पर माफ कीजिएगा, बड़ा अंक 643 पिताजी सारे परिवार सेवा से मन से परमाप का बल पकते सेवा से परमाप कर दे रही है पिताजी, मैंने आपके सारे परिवार भी और मिल जावे, यही अरदास है जी। जी बेटा, खाना नाम जप के बनाया करो बेटा, सुमन करो, मालिक निगेवा है, साथ जिंदा है बेटा, आशीर्वाद। पिताजी थोड़ा शब्द आज बेटा। पिताजी मैंने ब्रेस्ट कैंसर सीटा स्टेज के अंदर तो मेरी सिस्टर मैंने क्या टीम इंडिया जा दे रहे थे अंदर ना जाम टीम वक्ते तो फिर मैं जाम टीम गई जाम टीम से मामा जी। तो पिताजी थैंक यू वेरी वेरी मच, इसमें उन्होंने जिंदगी बख्शी, थैंक यू वेरी मच। सुमन करो बेटा, अच्छे कर्म करो, मालिक जिंदगी बख्शन बड़ा है, आशीर्वाद बेटा। धन धन सतगुरु तेरा यात्रा जी। जी कैसे हो पिताजी? बेबराज की रहमत है बेटा, आप सुनाओ। हाँ आपकी रहमत है पिताजी। पिताजी मैंने आपसे माफी लेनी है जी, मेरे परहेजों में गलती हुई है जी। बेटा परहेजों में कभी भी गलती नहीं करनी चाहिए, वरना खुशियां चली जाती हैं। सच्चे दिल से तौबा करो, लगातार सुमरण करो तो मालिक माफ करेंगे, नारा लगा दो। धन धन सतगुरु तेरा। पिता जी और एक बात है जी, जो मेरी वाइफ है जी, उन्होंने जब नाम लिया था तो जामिन खान किया था, तो साथ में उन्होंने छोटी सी बच्ची उसको भी पिला दिया था जी, उसके लेके माफी लेनी पड़ेगी पिता जी। जी उनको भी बोल दे, नारा लगा दे, छोटे बच्चे को जाम नहीं पिलाना चाहिए। जी पिताजी, पिताजी एक करिश्मा है जी आपको सुनना चाहता हूँ जी। जी थोड़े शब्द। हाँ जी पिताजी, जो मेरी मोटरसाइकिल थी जी, मैं प्रेमी जसपाल के घर पे गया था जी, वहाँ तो वहाँ से चोरी हो गई थी। तो मेरी वाइफ ने जब चोरी हुई तो आपके लिए 100 रुपए परमार्थ करने के लिए कहा, तो एक घंटे के अंदर ही मेरी बाइक मिल गई पिताजी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है पिताजी। जी सब मालिक का रहमो करम है बेटा, वो ही कृपा निधान कृपा करते हैं बेटा, दयालु। तो पिताजी जो मेरी वाइफ है उनका लॉकेट गुम हो गया है जी। जी संभाल के रखना चाहिए बेटा, और अगर कोई नंबर है उसका याद है तो यहाँ पे बता के उसको कैंसिल किया जाता है और फिर नया दिया जाता है। सो आप बता दीजिएगा और उनको बोले, नारा लगाएं, आइंदा से ख्याल रखिए। ठीक है पिता जी, प्रसाद यहाँ पे रखा है जी, उसको प्रसाद बना दो पिता जी। आशीर्वाद बेटा, प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना, सेवा सुन में मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, आशीर्वाद बेटा। धन धन सदगुरु तेरा यात्रा। जी बोलो जी। बोलो बेटा। धन धन सदगुरु तेरा यात्रा। पिता जी मैं शिव कुमार इंसा प्रीमोट यूनिवर्सिटी बोल रहा हूँ जी। जी जी पिता जी, बोलने की हिम्मत देना जी। बोलो बेटा। पिताजी आप जी को
साई परिवार को, सारे साई परिवार को, माता जी को गुरुगद्दी नसीनी की बहुत बहुत बधाई दी जी। आपको भी आशीर्वाद, मुबारकबाद। ठीक है जी, हम दोनों से जाने अनजाने में आज तक जो भी गलतियां हुई सबको माफ कर दो जी। नारा लगा दो, बचनों में गलती ना करो, बाकी मालिक माफ करने वाला है बेटा। धन धन तेरा। पिताजी जी, हमारे बेटे को और मोदी नगर में सत्संगी परिवार, बहन बेटी को कोई बच्चा नहीं, पिताजी दया मेर करो जी। बेटा थोड़ा चेकअप वगैरह करवाएं, अगर रिपोर्ट में कमी है तो सुमन करके दवा लें, अगर रिपोर्ट नॉर्मल है तो लगातार सुमन करें, मालिक कृपा करने वाले हैं। पिताजी सेवा सुमन परमात्मा का बल बख्शना जी। जी हाँ, आशीर्वाद बेटा, सुमन करते रहिए, मालिक साथ है, आशीर्वाद। विदेशों में इंटरनेट टेलीफोन कॉन्फ्रेंस और इंडिया में IVR के माध्यम से 11,732 कनेक्शन पर 43,272 की तादाद में सत्संग लाइव मजलिस सुन रही, आशीर्वाद। लाइव वीडियो पर 1,326 कनेक्शन पर हजारों की तादाद में सत्संग लाइव देख रही सुन रही हमें नजर आ रही, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। लाइव मैसेज है, मुकेश इन सब पर ऑस्ट्रेलिया पर भी PR की फाइल रिफ्यूज हो गई है जी, मार्गदर्शन करें। ड्राई फ्रूट प्रसाद बन गया बेटा, सुमन करो, पूरी पैरवाई करो, किसी एडवोकेट की राय लेके पूरा आगे बढ़ो, मालिक साथ हैं बेटा, आशीर्वाद। अमन इंसा मैडन हेड UK प्यारे पिता वीजा एक्सटेंड के लिए फाइल लगानी है, रहमत करना, लगातार सुमन करो बेटा और पूरी पैरवाई करना, मालिक साथ है। शास्त्र जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग का प्रशासन नए सेवादार 16 भाई 6 बहने खड़े हो जाएं, एक भाई कनाडा से ऑनलाइन। यूथ वीरांगना का प्रशासन 5 बहने, इंसानियत की सेवा महाअभियान के फार्म भरने वाले 61 भाई बहन खड़े हो जाएं। तो धन्य माँ बाप, धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा में आगे आते हैं, और धन्य वो कुल हो जाती है जिनके बच्चे सेवा करके और निभाते हैं। सो प्रसाद लेना बेटा, जोर शोर से अपने इलाकों में आश्रम में सेवा करना, मालिक दिन दुगनी रात चौगुनी से भी बढ़ चढ़ के खुशियां बख्शेंगे। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद। दूर दराज से आए हैं प्रकाश इन मध्य प्रदेश से जी, आशीर्वाद बेटा, स्वागत, प्रसाद लीजिएगा, आशीर्वाद। घर जाने वाले सेवादार 4 से 140 दिन वाले तो खड़े हो जाएं, जितनी सेवा की सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मिले, घरों में खुशियां, मालिक से प्यार बढ़े, बचनों पे पक्के रहते हो, आगे बढ़ो तो मालिक कोई कमी नहीं छोड़ते। सो नारा लगा के बैठ जाइए, प्रसाद ले जाना, खुद भी लेना, परिवारों को भी देना। और बीमार बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद देते हैं, जितनी बार दवाई लेनी पहले आधा घंटा सुमरण करना। कैंसर या लाइलाज वाले दिन रात मालिक का नाम जब फिर दवाई लो, मानते लाखों लोग ठीक होते करने वाला मालिक मानना आपने है जी। खाने पीने की अनजाने में गलती बैठे बैठे नारा लगा दो, मालिक माफ करेंगे। बाकी 3 परहेजों में पहली बार गलती हुई है तो जल्दी से खड़े हो जाओ, इधर उधर मत देखो, शर्माओ मत, जब गलती की है तो खड़े हो जाओ, और खड़े रहना है, बैठना नहीं, अभी खड़े रहना है। बचनों में गलती कभी नहीं करनी चाहिए, आज अगर सच्चे दिल से तौबा करोगे तो मालिक से दुआ करके आपको आशीर्वाद कह रहे हैं, मालिक फिर से खुशियां बख्शेंगे। नारा लगा के बैठ जाओ, सुमरण करना। स्वरूप की बेअदबी की, नशा किया, किसी का मजाक उड़ा, जाम दोबारा पिया, खुशी बताई, नाम शब्द बताया, तो ये गलतियां अगर की हैं तो खड़े होकर नारा लगा के बैठ जाओ, कोई भी गलती कभी भी दोहराओ ना। दूसरी ओर माफ लेने 2 महीने सुमरण किए जगदीश इंसा, जगदीश खड़े हो जाए भाई, जिन्होंने लिखवाया है, लगातार सुमरण करना, लगातार सुमरण चलता रहे तो मालिक कृपा करने वाले, नारा लगा के बैठ जाओ। सुबह 6 से रात के 10 बजे तक सर से राज्य सेवा करते हैं, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। पूज्य पिताजी आप जी की तंदुरुस्ती की कामना करते हो, महापरोपकार महीने की खुशी में शास्त्र जी गिरने से पहले फिर फोर्स विंग की ट्रेनिंग करके जाने वाले भाई बहन 13,133 रुपए, इनके अलावा 29 बहन भाई दिंदु के मध्य के लिए भलाई फंड में पैसा जमा करवा चुके, कुछ ने बर्थ भी रखा, खड़े हो जाइए जी। आन बान शान आप ही हो हमारी दातार, आपके प्यार के मीठे मीठे साए तले बीत जाए जिंदगी हमार, आप चाहिए और आपकी प्यारी सी मुस्कुराहट और ओढ़ने बजाय आपके चरण में यही हमारे जीवन का साथ। प्यारे पापा जी आप जी की 9 गुरु ब्रह्मचारी बेटियों के 5 साल व 1 गुरु ब्रह्मचारी बेटी के 2 साल गुरु ब्रह्मचार्य के पूरे होने की खुशी में 10,000 बैंक में जमा करवा चुके हैं। आप जी की सेहत सलामती के लिए 2 दिन का उपवास भी रखा है। आप जी के पितृ चरण कमल अरदास, आप जी के वचन में चलती हुई हमारी ओढ़ने बजाय जी, कितने हसीन हो जी तुम, जानशीन हो जी तुम, खड़े हो जाएं बेटा। और ये सुंदर सा कार्ड भी इन बच्चों ने बनाया है,
जी तो सबका सेवा समय मन लगे मालिक से प्यार बड़े घरों में खुशियां हैं मालिक दया में रहमत से नवाजे और बचनों पे रहते हुए मालिक से ओडे भाई गुरु ब्रह्मचारी और जो गुरु ब्रह्मचारी के लिए सही है वही खाए पिए उसी पे अमल करें ताकि मालिक आपको वो खुशियां बख्शे जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सो नारा लगा के बैठ जाए सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। जिनके परिवार में किसी ने छोटे छोटे ऐसे तीन परिवार आए हैं जी सभी का नाम लिया था खड़े हो जाए। मलोड मुक्सर गाजियाबाद जूपी श्री गंगानगर राजस्थान। एक का शरीरदान शरीरदान महादान। दो परिवार फजूल खर्ची की बजाय दीन दुखी मध्य बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं आशीर्वाद। परिवार दोनों तरफ है नाम रिकॉर्ड में चढ़ गए हैं। तो जिसने नाम लिया होता है वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के ज्योतियों निज धाम सचखंड सतलोक नाम में जरूर जाती है। अस्थियां फूल लेके आयो या तो खुद का खेत है गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो। ये तो मिट्टी है आत्मा की संभाल मालिक ज्योति जरूर करते हैं। सो प्रसाद ले लो जो जख्म देते मर्रम जरूर देगा जी। सात संगत में कोई नशा छोड़ने आया हो सात दिन के लिए यहां रुकना परिवार का एक आदमी साथ रहे। सात दिन सेवा सिमरन करने से गंदा नशा छोड़ जाता है। रहना फ्री खाना फ्री जरूरत पड़े दवा फ्री लेकिन ख्याल रखिए जब नशा छोड़ के जाना यार तो जो नशेड़ी हैं उनका संग उनकी सोहबत हरगिज नहीं करना चाहिए। बाकी सत्संग में प्रसाद पहन शादी के कपड़े बच्चे कपड़े गाड़ी की चाबी मकान की चाबी को लेके आके आशीर्वाद लेना है बैठे बैठे सामान ऊपर कर लो। सारी सत्संगत को अच्छे निकामों के लिए आशीर्वाद सामान नीचे कर लीजिए जी। तो जो भी सत्संगत आश्रम में सत्संग में चल के आइए आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जी आए नुकसान दिल के थे मोस्ट वेलकम। थोड़ा समय बैठे रहिए उसके बाद जैसा आपका विचार जाने का आप अपने समय और साधन के अनुसार जा सकते। रहने का जैसे सेवादर भाई बताएं रहना सेवा करना आराम करना है पर एक दो मिनट इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा सज रहिएगा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपने अपनी जगह पर बैठे रहें जी।